कांग्रेस की जनसंवाद यात्रा ढेकहा चौराहे में नुक्कड़ सभा के रूप में आयोजित की गई, जहां कांग्रेस की कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत की खुशी में पटाखे फोड़कर एवं मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया गया, जिसमें जिला शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल, संगठन मंत्री सज्जन पटेल, आयोजक के के गुप्ता के साथ दर्जनों कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए। ऐसी कोई स्थिति न हो, न खरीदने की टेंशन हो, न बिकने की टेंशन हो, हमारी सरकार और मजबूती के साथ हम लोग 5 साल के लिए सरकार बनाएंगे कांग्रेस की, और अच्छे से ये भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्ति पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ये कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा के लोग भी कहते थे, और कई भाजपाइयों ने इस सरकार को छोड़ के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन। कर्नाटक की जो भारी जीत मिली है कांग्रेस को, आवाज कमजोर, इसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पड़ेगा, इसके बारे में क्या? निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार कर्नाटक से गिराई गई थी और कर्नाटक से मानसून चल के मध्य प्रदेश में आएगा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी पूरी बहुमत के साथ, क्योंकि षड्यंत्रकारियों की पर्दाफाश ने जनता ने कर दिया है, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बड़ी बहुमत के साथ आएगी। आप 19 अप्रैल से लगातार संवाद यात्रा कर रहे हैं, इसका असर कहाँ तक? ये काफ़ी समर्थन मिल रहा है पूरे क्षेत्रों में, पूरे चौराहों में कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहाँ गिरीबा के आम जनमानस ने अपना मूड बना के रखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विधायक देंगे और कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। सर, आप कैसे कहते हैं कांग्रेस सरकार बनेगी, कितनी सीटें आने का अनुमान? पूरी बहुमत के साथ आएंगे और आगे कितनी निकल जाएगी तो आने वाला वक्त बताएगा, पूरी बहुमत के साथ इस बार सरकार आएगी, ये हमारा आपका वादा, ये नौकर सभा के माध्यम में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने हम कार्यकर्ता बोले, पूरे बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार बनेगी।